हेलो फ्रेंड्स, आज के भारतीय इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं हम, जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण काम आने वाला है और काम आता है। देखिए, चलिए हम आपको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा, देखिए हमारा आंसर आएगा डी। ठीक है, हमारा आंसर डी है पंजाब। चलिए हम आपको बढ़िया दिखा देते हैं। देखिए हमारा आंसर डी आएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, यह एग्जाम में बहुत ही काम आता है। अगर एग्जाम में नहीं लेके जाइएगा आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आप कहेंगे यार हमने तो ये मिस्टेक हो गया हमसे, तो ध्यान रखिएगा आपको बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण काम आता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन हमारा ए है सुरकोटदा, ठीक है, ऑप्शन बी है वर्णावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। ठीक है, तो हमारा आएगा, चलिए हमारा आंसर आएगा सुरकोटदा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो हमारा ऑप्शन है सुरकोटदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए है। अच्छा, अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो हमारा ऑप्शन आएगा 3 का, देखिए क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन है ए सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी स्टेटस। ठीक है, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तावा, ऑप्शन डी है लोहा। ठीक है, तो हमारा आएगा आंसर सिलखड़ी में। ठीक है, हमारा आंसर है सिलखड़ी। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हमारा सिलखड़ी रूप से। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो चलिए हम जान लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी पूछ रहा है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग, ठीक है, ऑप्शन डी है लोहा युग। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए आंसर हमारा ए है। ठीक है, कांस्य युग, हमारा आंसर है ए कांस्य युग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कांस्य युग, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हमारा ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो चलिए हमारा आंसर है ए व्यापार। ठीक है, उनका व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब 6 हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो 7 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो यहाँ पर आएगा देखिए ए ग्रामीण, बी शहरी, सी ययावर, खानाबदोश और डी है जनजातियाँ। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी
सॉरी दोस्तों, हमारा आंसर है बी, शहरी। ठीक है, हमारा आंसर बी है, शहरी है, शहरी आएगा यहाँ पर, वो निवासी थे शहरी के। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर आठवें पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आठवें पे। तो क्वेश्चन नंबर आठवां पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका ऑप्शन है ए ईंट से, बी बांस से, ठीक है, सी पत्थर से, और डी लकड़ी से। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ईंट से, ईंट से बनाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, ईंट से। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर नौवे पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नौवा पूछ रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हमारा ऑप्शन है मुद्राए, बी ऑप्शन बी है कांसे के औजार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जो। तो देखिए हमारा आंसर है कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे है हमारा कपास, आंसर कपास है। ठीक है, सर्वप्रथम थे कपास। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर टेंथ पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टेंथ पूछ रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, ठीक है, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी है ए कनिगम, ठीक है, ऑप्शन डी है, देखिए बता रहा है, ये देखिए ऑप्शन डी है दयाराम सहनी। तो देखिए दोस्तों, हमने टिक लगाया हुआ है ऑप्शन, ये हमारा आंसर है दयाराम सहनी। ठीक है, दयाराम सहनी पे आपको ये आंसर है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं बाद में ऐसा ना होता है, आदमी कहते हैं यार साल भर 365 दिन हमारा बेकार गया, एक मिनट के चलते में दोस्तों हमारा 365 दिन बेकार चला जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन है ए कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन, हमारा आंसर है ऑप्शन बी पे। ठीक है, लोथल, हमारा आंसर यही है ऑप्शन बी लोथल। ठीक है, यही आएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 पूछ रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन है ए शिकार, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन ए पूछ रहा है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, और ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, हमारा आंसर बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, अब हम चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हमारा इनका उपयोग ऑप्शन है ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता, और ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं आएगा, गलती हो गई। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको रॉन्ग कर दीजिए, हमारा आंसर आएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, हो जाता है दोस्तों कभी कभी ध्यान में, हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हमारे को बहुत ही, हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारा आपके पास, हम काम करने पे ध्यान रखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए ऑप्शन ए है 1935 सन, ठीक है, ऑप्शन बी है 1942 ईसन, ठीक है, ऑप्शन सी है 1901 ईसन, ठीक है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखिए ऑप्शन डी है 1921 ईसन। ठीक है, तो हमारा आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा?
हमारा आंसर आएगा 1921। ठीक है, हमारा आंसर है ये। किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 वर्ष में। ठीक है, 1921 में। ठीक है, 1921 साल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 15वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो यहाँ पर बता रहा है, देखिएगा, ऑप्शन ए है उचित संतवादी, ऑप्शन बी है दास सामरिक आधारित, ऑप्शन सी है वर्णा आधारित, ऑप्शन डी है जाति आधारित। ठीक है, तो हमारा इसमें से आंसर आएगा, देखिए बता रहे हैं, हमारा आंसर है इसमें से ए। ठीक है, हमारा आंसर ए आएगा, उचित संतवादी। ठीक है, संतवादी। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? चलिए मैं एक बार और आराम से पढ़ देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हमारा ऑप्शन है ए वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो हमारा आंसर क्या होगा इन चारों में से? चलिए आंसर हम जान लेते हैं, हमारा आंसर है त्रिभुजाकार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इतना सारा बता दिए हम, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारा आंसर यही है त्रिभुजाकार, और इतना आंसर आएगा दोस्तों आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी, अगर कोई भी जानकारी चाहिए हमें बताइए कमेंट करके, हम आपका जरूर हल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण काम आते हैं, अगर हम नहीं ले जाएंगे, नहीं देखिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, तो आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारा तो काम है आप लोगों के पास पहुँचाना, सो हमने तो पहुँचा दिया, पर आपका काम है आगे बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और ऑल फ्रेंड्स के पास भेज दीजिएगा कि जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो धन्यवाद, तो चले दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।